फाइनली मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये है अंकित भैया। हाय हाय, हेलो हेलो, बेइज्जती, हेलो हेलो। 2000 years later. से हेलो। हाँ, तो फाइनली 10 बार बेइज्जती करवाने के बाद इन्होंने हेलो बोल दिया। एक्सक्यूज मी सर, हाय। ये हमारा डबिंग का स्टूडियो, तो बोल जाए कि जितनी भी हमारी फिल्म आएंगी तो यहाँ पे ही डबिंग होगी, तो आज मैं डबिंग करूँगी। 3-4 दिन तक लगातार हमारा डबिंग का काम चलेगा। सो लोग क्रॉस कर रहे हैं बीच में से विदाउट परमिशन। सो गाइस लेट्स गो, वी ईट सम ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम करते हैं। हाँ, एक और शख्स से मैं आपको मिलवाना तो भूल ही गई। ये है हमारी प्यारी सी छोटे से डिंपल वाली ज्योति दीदी। ज्योति दीदी हेलो बोलो। हाँ, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। ये चाय वाले भैया आए हैं। ओह, ये तो बॉफर भैया हैं। सॉरी सॉरी गाइस, ब्रेकफास्ट आया है, चाय पराठे। फाइनली हमने अभी डबिंग स्टार्ट कर दी है। ओह सॉरी, कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया है, तो अभी हम थोड़ी देर में डबिंग करने लगे हैं। और गाइस, आप लोग हमारी फिल्म्स ज़रूर देखना, बहुत अच्छे लेवल की है, ठीक है। और उसके लिए ऐप भी आ गया, अगर आपको ऐप चाहिए तो मुझे यूट्यूब पे बोल देना, मैं आपको ना लिंक भेज दूँगी उस ऐप का, ठीक है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टिंडर पे, टेलीग्राम पे, जो वहाँ पे भी चाहिए होगा मुझे बता देना बस एक बार, ठीक है आप। थैंक यू क्यों बोला मैंने, सॉरी। करने भैया जितनी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब इस तरीके से ही होगी, इतना टाइम ही लगेगा। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है वैसे भी। कटिंग वटिंग तो मैं अकेला बैठ कर कर लूंगा, तुम कल ही बोर हो जाओगे भी। घंटे डबिंग करने के बाद अभी मैं कुछ चाय वाय बना रही हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो चाय वाय के साथ। उसके बाद मैं अभी डबिंग सर कल देखी आपने एक बंदे की तीसरी आंख खुल गई थी। हाँ बजे मेरी एडिटिंग का काम ख़त्म हो गया था, तो आई एम फीलिंग सो टायर्ड और मेरा सिर इतना फट रहा है, तो मैं अभी डिनर विनर करके बैठे हैं और खाना पिया अच्छे से, और मतलब बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। आज सारा टाइम हेडफोन्स कान पे लगा के बंदा थक जाता है भाई। सो बाय गाइस, कल मिलते हैं हम, और कल का ब्लॉग भी दिखाऊंगी मैं आपको सारा। 3-4 दिन रेगुलर काम दिखाते हैं मैं आपको, आई होप आपको अच्छा लगेगा। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। डे सेकंड, सारा दिन कल डबिंग कर करके
थक गई मैं, और अभी हम लोग सफाई करके हटे थे, 12:01 हो गया। हमने आज फिर 36 फिल्म की डबिंग करी, और 36 फिल्म की डबिंग। थोड़ी देर पहले ही अभी हमारी डबिंग वबिंग कंप्लीट हुई है, और आई वांट टू नीड सम रेस्ट और चाय, और अभी चाय वाय बन रही है, ज्योति दी चाय बना रही है, और मैं रसोई में जाऊंगी, अब उस कमरे में बैठूंगी, अगर मैं गई तो मुझे चाय बनानी पड़ जाएगी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हमारी चाय नहीं डाली ना आप लोगों ने? हाँ दीदी, ऐसे ऊपर नीचे, हाँ यार, ये तो मैं उसको बता रही हूँ भैया। हाँ मैं वैसे कुछ बोल देती हूँ इसमें, मतलब हाँ। मतलब ये म्यूट रहेगा। हाय, तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब हद से ज़्यादा बीमार थी, तो आज मैंने सिर्फ 2 फिल्मों की डबिंग करी है, और क्या बोलते हैं, पता नहीं कितनी फिल्मों की डबिंग की, 36 फिल्म की कर दी है शायद, है ना। तो उसके बाद अभी मैं रेडी हो रही हूँ, रील्स बना रही हूँ 1-2 बस, और बाय गाइस, प्लस चेक माई आउटपुट इन माई रील्स। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं थोड़ी सी रील्स बनाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से डबिंग में बैठूँगी, और मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फाइनली ये हमारी लास्ट डबिंग है, और इसके बाद हम फ्री हैं। सिर्फ 3 मूवीज़ की डबिंग पड़ी है, जो कि सिर्फ 15-15 मिनट की है, और हम वो 2 मिनट में निपटा लेंगे। और तो हाँ, आई नो ये ब्लॉग छोटा, थोड़ा सा छोटा बना है, बट जस्ट एडजस्ट इट। और आज बहुत बीमार होने की वजह से मैंने बहुत कम डबिंग की है, बट लिटरली मज़ा आया बहुत ज़्यादा। यार साइज डज नॉट मैटर, किस में यार, किसके लिए यार? अबे यार साड़ी, क्यों अब मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ? तूने किया है वो तो, अच्छी है ना यार। सो गाइस फाइनली डबिंग कंप्लीट हो गई, याहू! बफर भैया और मैंने आग लगा दी थी, भैया भैया हम दोनों ने मिलके आग लगाई थी। गर्लफ्रेंड से बात भी बात कर लेना, सर से कर। अच्छा भैया, इंटरव्यू दो जरा प्लीज, कैसा लगा आपको? हे गाइस, हे गाइस उठ के दे दो ना, हे गाइस, हे गाइस, मनप्रीत बहुत अच्छी डबिंग करती है, और मतलब डबिंग करने का इतना अच्छा प्रोसेस है कि हम एक दिन में 30-35 वीडियो की शॉर्ट वीडियोस की डबिंग की है, तो बस थैंक यू। बोलो बोलो ना, क्या बोल ये मैं नहीं डाल सकती। मतलब मनप्रीत सच में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा क्यूट भी आप अच्छे हो ना तो मैं, और नहीं ये बात सीरियसली है, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अगर अगर मनप्रीत को अभी चाय के लिए बोला जाए तो ज्योति दीदी चाय बना के ले धोएगी नहीं, फिर नवे आ रहे नहीं। सो गाइस मैं आपको बाय करती हूँ, बफर भैया की शक्ल के साथ, बाय बाय।